नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, एक इशू जो मीशो सेलर्स अक्सर फेस करते हैं वो है ऑर्डर्स का पिकअप टाइमली ना होने का। मतलब कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे ऑर्डर का पिकअप ही नहीं होता, यानी कि पिकअप बॉयज़ हमारे ऑफिस में ऑर्डर का पिकअप करने ही नहीं आते। और ऐसे में जब एक सेलर ने मॉर्निंग से ही अपने ऑर्डर को पैक करके रखा हुआ है और वो चाहता है कि पिकअप बॉय ऑर्डर का पिकअप करने आ जाए, और ऐसे में पिकअप बॉय पिकअप करने नहीं आए और शाम को सेलर को व्हाट्सएप पे या मोबाइल मैसेज के थ्रू नोटिफिकेशन मिलता है कि आपके ऑर्डर का पिकअप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपका ऑफिस क्लोज था, या फिर कई बार रीजन मेंशन होता है कि आप अवेलेबल नहीं थे, या फिर कई बार ये भी रीजन मेंशन होता है कि आपके पैकेट जो है वो रेडी नहीं थे। तो आप ही सोचिए कि एक सेलर के लिए कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। मतलब एज अ सेलर, मैंने अपने पैकेट मॉर्निंग से ही रेडी रख रखे हैं और मैं चाहता हूं कि पिकअप मेरा टाइमली हो जाए। अब पिकअप बॉय हमारे ऑफिस में नहीं आए और शाम को लॉजिस्टिक्स कंपनी से मैसेज आता है कि आपकी ऑर्डर का पिकअप सो एंड सो रीजन की वजह से नहीं हुआ, और वो रीजन एकदम गलत है। तो एक सेलर को इस पर कितना ज्यादा गुस्सा आएगा। और ये इशू मैक्सिमम मीशो सेलर जो है वो फेस कर रहे हैं। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं जो मेरे साथ ही अभी रिसेंट में हुआ। कल यहां पर मथुरा सिटी में काफी तेज बारिश हुई थी, मॉर्निंग में लगभग 3-4 घंटे बारिश चली थी। ठीक है, अब हमें समझ में आता है जब 3-4 घंटे बारिश हुई है तो शहर के काफी जगहों पर पानी भर गया है, और पानी भर गया है इस वजह से कहीं ना कहीं चैलेंज आएगा लॉजिस्टिक्स को फुलफिल करने में, क्योंकि जो पिकअप बॉयज है उनके पास तो वही सेम लोड है जो उनको डेली का पिकअप करना रहता है। अब ऑब्वियसली पानी भरने की वजह से कई जगह पर काफी ट्रैफिक जाम लग जाता है, तो सेलर के पास पहुंचने में पिकअप बॉय को थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से पिकअप बॉय काफी सेलर्स का तो पिकअप ही नहीं करेगा, और कुछ सेलर्स के यहाँ पिकअप होगा तो लेट होगा, मतलब जो जिस टाइम पर नॉर्मली वो पहुंचता है उससे लेट पहुंचेगा। तो देखो, ऐसे में ना एक सेलर को समझ में आती है, ठीक है लॉजिस्टिक्स इशू हो सकता है क्योंकि आज हमारे यहां पर बारिश हुई है, लेकिन ऐसे में आप अगर सेलर को ये नोटिफिकेशन भेजोगे कि आपका ऑफिस क्लोज था या आपके पैकेट रेडी नहीं थे, तो वो तो एक सेलर को काफी पेनफुल लगेगा ना। एज अ लॉजिस्टिक्स कंपनी की तरफ से मैसेज आना चाहिए था कि बारिश की वजह से लॉजिस्टिक्स ऑपरेट करने में थोड़ी दिक्कत हो गई है, इस वजह से आपका पिकअप आज नहीं हो पाएगा और वो कल हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है सेलर को अगर ऐसा मैसेज आता है तो। मतलब वो मैसेज पढ़ने के बाद वही मुहावरा याद आता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब देखो, ये मैसेज जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कल ही मुझे डिलीवरी की तरफ से व्हाट्सएप पे मिला है। यू कुडंट गिव शिपमेंट फॉर पिकअप टुडे, हाय आवर एजेंट इंडिकेटेड वी कुडंट पिक अप द शिपमेंट बिकॉज यू वर अनअवेलेबल, प्लीज टेल अस व्हेन डू यू वांट अस टू पिक अप द शिपमेंट्स। तो देखिए, मेरे ऑर्डर मॉर्निंग से ही रेडी है पिकअप के लिए, पिकअप बॉय नहीं आया और शाम को मुझे ऐसा मैसेज मिला। इसी तरीके से कुछ दिन पहले मुझे मैसेज मिला था, यू कुडंट गिव शिपमेंट फॉर पिकअप टुडे, हाय आवर एजेंट इंडिकेटेड दैट द शिपमेंट्स वर नॉट रेडी टुडे, प्लीज टेल अस व्हेन डू यू वांट अस टू पिक अप द शिपमेंट्स। मैंने जो आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, ये वही मैसेजेस हैं जिसको कि देखकर सेलर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और ऐसे सिनेरियो काफी टाइम से चले आ रहे हैं। एक दिन ऐसे ही मैंने पिकअप बॉय से ही सवाल कर लिया, मतलब वो पिछले दिन आया नहीं था और मैंने उससे नेक्स्ट डे पूछ लिया कि आप कल तो आए नहीं थे, फिर आपने गलत रीजन मेंशन क्यों किया था, क्यों अपडेट गलत रीजन किया था। तो उसने मुझे बताया कि हमारे पास ज्यादा लोड था और हमें कुछ ना कुछ तो रीजन देना ही होता है ऊपर, इस वजह से मैंने ये रीजन मेंशन कर दिया। तो आप सोचो, पिकअप बॉयज के पास जब कभी कभी लोड ज्यादा होता है और वो हमारा पिकअप नहीं करने आ पाए हैं तो वो गलत रीजन अपडेट कर देते हैं। अब ऐसे में मीशो कंपनी के पास क्या इंडिकेशन पहुंचेगी कि सेलर का ऑफिस क्लोज था या सेलर के पैकेट रेडी नहीं थे, तो ये गलत है। तो इसलिए मैं मीशो से और मीशो के थ्रू रजिस्टर्ड सभी लॉजिस्टिक्स कंपनी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज अपना सिस्टम बदलिए, ये सिस्टम काफी सेलर्स को परेशान कर रहा है। और एज अ सेलर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप मीशो के सपोर्ट सेक्शन में जाकर टिकट रेस किया कीजिए कि मेरे ऑर्डर का पिकअप जो है वो आज नहीं हुआ है, और उसमें आप सभी सब ऑर्डर आईडीज लिख दीजिए। देखिए, ये इशू जब आप 2-3 बार लगातार अपडेट करोगे ना, मेंशन करोगे मीशो को, बहुत बार क्या होता है सेलर इग्नोर कर देते हैं, चलो ठीक है आज पिकअप नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। देखो, कहीं ना कहीं इससे क्या है, जब आपके ऑर्डर का पिकअप लेट हो रहा है ना, तो इससे आपका कैंसिलेशन रेट, रिटर्न रेट बढ़ता है। इस बात को मानिए, आपको पता होगा ई कॉमर्स में हर कोई चाहता है मेरा जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो मुझे जल्द से जल्द मिले, और उसमें अगर एक दिन लेट पिकअप हुआ है इसका मतलब मुझे एक दिन लेट पहुंचेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
एज अ सेलर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब जब आपका पिकअप नहीं हुआ है, आप तब तब मीशो पैनल पर रिक्वेस्ट डालिए। मतलब जब आप बार बार ये इशू मीशो को नोटिफाई करोगे ना, तभी मीशो लॉजिस्टिक्स कंपनी पे कुछ एक्शन लेगा। और एज अ लॉजिस्टिक्स कंपनी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि पिकअप बॉय ऐसे ही कोई फेक रीजन डाल के रिक्वेस्ट कैंसिल ना कर दे, पिकअप की रिक्वेस्ट कैंसिल ना कर दे। या तो कुछ ओटीपी बेस्ड सिस्टम बनाइए कि पिकअप बॉय सेलर से ओटीपी पूछे और जब वो ओटीपी अपने डिवाइस में मेंशन करे, तभी उसके बाद जो है पिकअप की रिक्वेस्ट क्लोज हो और सेलर के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि पिकअप बॉय को इशू था, वो आपके ऑफिस में नहीं आ पा रहा था, इस वजह से आपके ऑर्डर का पिकअप नहीं हुआ है। ना कि ये रीजन वो बोले कि आपके पैकेट रेडी नहीं थे। मतलब अगर ऐसे केसेस 100 होते होंगे तो शायद एक या दो बारी सेलर की गलती होती होगी जहां पर सेलर के पैकेट एक्चुअल में रेडी नहीं होते होंगे। ज्यादातर टाइम्स पिकअप बॉय ही गलती करते हैं और यहां पर सारा ब्लेम हम सेलर्स को फेस करना पड़ता है। और यहां पर मैं पिकअप बॉयज की भी गलती नहीं कह रहा, ये सिस्टम ऐसा बना दिया है लॉजिस्टिक्स कंपनी ने कि उनको बोला जाता है कि आपको जितना लोड दिया जा रहा है आपको कैसे भी वो ऑर्डर का पिकअप करना है। अब पिकअप बॉय सब जगह पर नहीं पहुंच पा रहे तो वो फेक रीजन अपने डिवाइस में अपडेट रहे हैं। तो इसलिए लॉजिस्टिक्स कंपनी से यह भी रिक्वेस्ट है कि आप लोड उतना ही दीजिए जितना पिकअप बॉय मैनेज कर पाए। आप ज्यादा लोड दे दोगे तो कहीं ना कहीं उससे पिकअप बॉय सेलर के यहां पहुंचेगा तो नहीं, लेकिन गलत रीजन अपडेट कर देगा। तो प्लीज आपके सिस्टम में थोड़ी सुधार की जरूरत है, इसे इमीडिएट बेसिस पर अपडेट कीजिए। और मीशो से भी रिक्वेस्ट है कि आप लॉजिस्टिक्स कंपनी को बाउंड कीजिए कि एक प्रॉपर सिस्टम इंटरनली बना सके जिससे कि अगर पिकअप बॉय सेलर के पास नहीं पहुंचता है तो सेलर ओटीपी करे, तभी पिकअप बॉय जो है वो रिक्वेस्ट क्लोज कर सके। तो अगर प्रॉपर सिस्टम बनेगा तभी सेलर का अगर पिकअप नहीं होता तो सेलर के पास प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंचेगा कि पिकअप ना होने का रीजन क्या है, ना कि फेक रीजन पहुंचेगा जिससे कि सेलर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। मैंने अपने मीशो बिजनेस में ये इशू ज़्यादातर डिलीवरी और एक्सप्रेस बीज के साथ फेस किया है। मतलब डिलीवरी और एक्सप्रेस बीज में ज़्यादा ये इशूज मुझे फेस होते हैं। बाकी एज अ सेलर आप मुझे बताइए कि अगर आप मीशो पर सेल करते हो तो आपको ये इशूज आते हैं या नहीं आते, और अगर आते हैं तो कौन से लॉजिस्टिक्स पार्टनर के साथ आपको मीशो पर इशू फेस होते हैं और क्या इशू है जो आप फेस करते हैं मीशो पर। तो बस यही इशू मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कि आप सभी सेलर्स को पता होगा कि डेटा मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। उस कोर्स में आप सीखते हैं कि कैसे एक ऑनलाइन सेलर अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो प्लेटफॉर्म का डेटा मैनेज कर सकता है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकता है, डेली के ऑर्डर का डेटा मैनेज कर सकता है, रिटर्न रिकंसिलेशन कर सकता है, पेमेंट रिकंसिलेशन कर सकता है। ये सब कुछ आपको एक कोर्स सिखा देता है। और बाकी आपको कुछ इंपॉर्टेंट शीट्स मिलती है जिससे कि आपका डेटा मैनेजमेंट की जर्नी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस की काफी आसान हो जाती है। तो अगर आपको खुद से अपने ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस का डेटा मैनेज करना सीखना है एक्सेल और गूगल शीट के थ्रू, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है वहां पर जाकर कोर्स की डिटेल्स देख सकते हैं और वहीं से परचेज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में अभी इतना ही, फिलहाल के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।